हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑल फाइव एकेडमी साइंस एंड टेक सीरीज एंड वी आर द लेक्चर नंबर वन. टुडे वी शैल बी बिगनिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दैट इज़ फ्रॉम द एंशियंट इंडिया. और हम आपको बताएंगे कि कैसे एंशियंट इंडिया से और आज के टाइम पे मॉडर्न इंडिया तक कैसे विकास हुआ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. कौन कौन से वो महान साइंटिस्ट है विच हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर एजुकेशन सिस्टम, टू आर साइंटिफिक एंडेवर इन अ ग्रेट वे. एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू यू नो रिमेंबर दैम अगेन. एंड यू नो हमें लगता है कि हमारे साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया, बट देन टुडे आफ्टर योर लेक्चर, आफ्टर दिस लेक्चर, योर परसेप्शन विल बी चेंज. एंड इफ यू वॉन्ट दी नोट्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट 8630711706. द नोट्स आर प्रोवाइडेड एट टेलीग्राम चैनल एज वेल एज दिस साइड. और इफ यू डोंट फाइंड देम, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट द कॉन्टैक्ट नंबर. एंड इफ यू नीड एनी मोर हेल्प, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू. अब साइंस एंड टेक की जरूरत क्यों पड़ी? भाई देखो, हमें लगा कि यार देखो इतना काम करना पड़ रहा है, इतना मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, तो हमें जो है अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईज बनाना है, ठीक है. बट देन आज के टाइम पे ये भी एक डिबेट हो गया कि टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ जो थी वो कितनी ईज बनाई है, ठीक है, कितनी ईज हमारी लाइफ हुई है, वो आज भी एक बड़ा, काफ़ी बड़ा एक चर्चा का विषय है, ठीक है. तो हमारे को जो साइंस एंड टेक हमने जो उसमें रेवोल्यूशन लाई है, जो इम्प्रूवमेंट करी, वो इसलिए करी ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके, जो रीजनल इम्बेलेंसेज हैं किसमें अराउंड द वर्ल्ड वो कम हो सके, ठीक है. देन जो साइंटिफिक अवेयरनेस है उसे बढ़ाया जा सके, लोग ज़्यादा साइंटिफिक हो सकें. जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले जो लूनर एंड सोलर इक्लिप्स होती थी तो लोगों को लगता था राहु एंड केतु की वजह से होती है, ठीक है, या कोई डीमन है या कोई राक्षस है उसकी वजह से होती है, वो जो है उनके आगे आ जाता है. बट देन जब साइंटिस्ट आए, हमारे एंशियंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवर किया नहीं नहीं ये प्लैनेट्स की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है या एक अलाइनमेंट है जिसकी वजह से सोलर एंड लूनर इक्लिप्स होती है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी की अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी क्या अचीवमेंट रही है, ठीक है. तो हमारे साइंटिस्ट है, दे हैव इमेंसली कंट्रीब्यूटेड इन नॉलेज इन दिस फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज में. देर इज नो फील्ड इन दिस सब्जेक्ट ऑफ साइंस इन विच द इंडियन साइंटिस्ट डिडंट कंट्रीब्यूटेड सिंस एंशियंट टाइम एंड वी हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टिल टूडे. तो इट्स नो हार्म और देर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ दैट हमारे साइंटिस्ट ने कुछ किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस हमें पढ़ाया नहीं गया, बस हमारे साइंटिस्ट के साथ ये दिक्कत थी कि वो जो है उस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते थे और नॉलेज डिसेमिनेशन, आज उस टाइम कोई ट्विटर या इंस्टाग्राम तो था नहीं या यूट्यूब तो था नहीं कि नॉलेज डिसेमिनेशन या नॉलेज का जो विस्तार है वो एकदम और लोगों तक पहुँच जाए. बट देन जो उनके काउंटर पार्ट्स थे तो वेस्टर्न में, तो वो जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाते थे. बस यहीं पे हमारे साइंटिस्ट जो है मार खा गए. लेकिन उनके इंटेलेक्ट में और उनके रिसर्च में आप कभी भी कोई भी शक नहीं कर सकते. तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बोधायना जी थे. बोधायना जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैल्यू ऑफ पाई होता ना 22/7 अप्रॉक्सीमेटली 3.1 नॉन रिकरिंग एंड नॉन, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको निकाला गया है अभी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स की मदद से लास्ट वैल्यू कहाँ तक आएगी. तो ही वॉज द फर्स्ट वन हु यू नो गेव द वैल्यू ऑफ पाई. यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी दी थी, उनकी बुक थी सुलवा सूत्रा उसमें, ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने ही दी थी सुलवा सूत्रा में, और बाद में जो है पाइथागोरस ने उसको डिवेलप किया था. लेकिन क्योंकि पाइथागोरस का जो थ्योरम है और बोधायना जी का जो थ्योरम है थोड़ा सा अलग था, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली जो पाइथागोरस ने दिया था वो था बोधायना जी की बेसिस. लेकिन बोधायना जी का भी वही बेसिस था जो उन्होंने थ्योरम दी थी, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी से मिलती जुलती एक थ्योरम दी थी, उनका भी वही बेसिस था. बट मैंने आपको ये बताया कि डिसेमिनेशन नहीं था, तो वो अपनी बात पहुँचाने का है. देन ऑफकोर्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे अपने वेरी ओन आर्यभट्ट जी. आर्यभट्ट जी ने महज 23 साल की उम्र में आर्यभाटिया लिख दी थी. आर्यभाटिया जो बुक है वो लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. इसमें से 2 पार्ट्स तो जो एस्ट्रोनॉमी से डील करते हैं, और बाकी जो एक पार्ट है वो जो है आपकी जो डेसिमल नंबर्स हैं उससे डील करता है. एक्चुअली वो कैसे बिग डेसिमल नंबर को आप अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं उसकी बात करता है. और एक जो पार्ट है बेसिकली वो नंबर थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बीजगणित मतलब होता है एलजेब्रा, इस सब से डील करता है. आर्यभट्ट जी ही थे जिन्होंने जो है ज़ीरो का इस्तेमाल किया था, उन्होंने ज़ीरो की सही ज़ीरो की डिस्कवरी की थी, और ज़ीरो को बताया था कि ज़ीरो को एक न्यूमरल नहीं है, वो आपको जो है एक नई दिशा खोल दी थी उसने इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस, ठीक है. इन्होंने ज़ीरो के आने के बाद जो है नेगेटिव न्यूमरल्स
नेगेटिव न्यूमरल्स आने लगे, ठीक है। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ और मून का डिस्टेंस निकाला था, यही वो थे जिन्होंने बोलता कि अर्थ कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक अपने एक्सिस है उसके अराउंड घूमती है, और यही वो थे जिन्होंने सोलर एंड लूनर इक्लिप्स जो है राहु और केतु की वजह से नहीं, बट देन द अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स की वजह से होती है, ठीक है। और जो प्लैनेट्स और मून हैं उनकी खुद की लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट से शाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इतनी इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं हमारे इतिहास में कि उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आर्यभट्ट जी के बारे में तो सबने ही पढ़ा होगा, मतलब नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। देन अगले हैं ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त जी लगभग लगभग 7th सेंचुरी में थे, ठीक है, 7th सेंचुरी में थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी ब्रह्म सुप्त सिद्धांतिका, ठीक है। उन्होंने उन्होंने ही जो है प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल किया था, वो जो हम कहते हैं ना 0, 1, 10, 100, इन्होंने ही जो है बेसिकली वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया। इन्होंने ही नेगेटिव जीरो का इस्तेमाल अच्छे से किया, नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल किया, इन्होंने डिस्कवरी नहीं की बट नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो का इस्तेमाल इन्होंने बहुत किया, अच्छे से किया। देन इन्होंने जो है नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया कि जीरो के बाद भी -1, -2 ऐसे होता है, ठीक है। और ये ब्रह्मगुप्त सुप्त सिद्धांति का जो है ना, इसी को अरेब्स ने इस्तेमाल करके अपना न्यूमेरिकल सिस्टम बनाया था, इसी को स्टडी करके, ठीक है। अब बात करें अगर भास्कराचार्य जी की, भास्कराचार्य जी ने भी एक बुक लिखी सिद्धांता शिरोमणि, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपकी लीलावती, लीलावती में जो है अर्थमेटिक की बात की गई है। देन बीजगणित, बीजगणित मैंने आपको बता दिया कि एलजेब्रा होता है। देन गोला अध्याय मतलब स्पेयर। देन ग्रह गणित मतलब मैथमेटिक्स फॉर प्लैनेट्स। इन्होंने जो है इसको, इन सब फील्ड को जो है वाइडली एक्सप्लोर किया। इन्होंने एक मेथड दिया था चक्रवत मेथड। चक्रवत मेथड जो है आज के टाइम पे जो है आप इन्वर्स साइकिल मेथड के नाम से जानते हैं उसको, तो वो इन्वर्स साइकिल जो मेथड है वो चक्रवत मेथड ही था, ठीक है। ये चक्रवत मेथड जो है इट इज़ यूज टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ओके, इट इज यूज टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस। और इन्हीं का एक जेम्स टेलर इंग्लिश मैन थे, उन्होंने जो है लीलावती को ट्रांसलेट किया था, ठीक है, लीलावती को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और ये बहुत अच्छा वर्क माना जाता है ये जो लीलावती अर्थमेटिक्स जो डील करती है, ठीक है। देन अगले हैं महावीराचार्य। महावीराचार्य जो थे ये एक जैन थे। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू साइंटिस्ट को ही नॉलेज थी, अरब्स को, मुस्लिम्स को, आपके जैन्स को, बुद्धिस्ट को, हर रिलीजन या हर समुदाय के जो साइंटिस्ट थे या बुद्धिजीवी थे उनको जो है साइंस, अलग अलग साइंस, किसी को मेडिसिन, इन सब की नॉलेज थी, ठीक है। तो माध्वाचार्य जी जो है ये जैन रिलीजन से रिलेटेड हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी गणित सारा संग्रह, और यही वो थे जिन्होंने एलसीएम दिया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आप पढ़ते हैं वो इन्होंने ही दिया था, ठीक है। और बाद में उसको एक जॉन नेपियर थे उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। तो जैन गुरुज भी जो हैं उनको काफ़ी नॉलेज थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शंस को डिस्क्राइब किया उन्होंने, एलजेब्रिक इक्वेशन को डिस्क्राइब किया, सेट थ्योरी दी उन्होंने, लॉगरिथमिक दिए, एक्सपोनेंट्स दिए, हाँ, एल फंक्शन, ई फंक्शन जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉगरिथमिक ग्रोथ, वही, ठीक है। तो ये माध्वाचार्य जी का कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन एशियंट इंडिया, साइंस कैसे डेवलप हुई, और 3 लोगों का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, एक हमारे कन्नड़, एक है आपके वारामेरा, एक है नागार्जुना। देखो कन्नड़ जो थे ना, कन्नड़ का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कन्नड़ का नाम कैसे आया, उन्हें जो है बचपन से ही कण मतलब एटम्स, छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उसमें इंटरेस्ट था, वहीं से उनका नाम कन्नड़ आया। इनफैक्ट उन्होंने ही वैशेषिक का स्कूल जो है, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, जैसे मीमांसा, उत्तर मीमांसा, आपका योगा, ठीक है, तो ये वाला स्कूल दिया था। वैशेषिक का स्कूल किससे डील करते हैं, लॉजिक से, और इन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी दी थी। आज जो आप एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं वो कोई लेस, उस टाइम ये उसी का डेवलपमेंट है, ठीक है। एटॉमिक, इन्होंने कहा कि हर जो वस्तु है वो एक कण से बनी हुई है, एक एटम से बनी हुई है, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, और जिसको तोड़ा, जो कि इंडस्ट्रिबल है और इंडिविजुअल है, उसको आप तोड़ भी नहीं सकते आगे, तो एटम्स ही वो थ्योरी देन। लेकिन बट देन जब हमारे एल एस सी एल आर हैड्रन कोलाइडर्स आया, तो आज हमारे पास लेप्टॉन्स, क्वैक्स, ये सब भी आने लग गए हैं। बट देन मतलब वही था इनका मतलब कि हर चीज़ जो है वही सब अटोमिक पार्टिकल से बनी हुई है, और वो सब अटोमिक पार्टिकल, कहीं ना कहीं एक सब अटोमिक पार्टिकल आपको ऐसा मिल ही जाएगा वर्ल्ड में कि
वो इंडिस्ट्रक्टिबल होगा और इनडिविजिबल होगा, ठीक है। फिर आपके वारामीरा हैं, वारामीरा ने एक दी बृहत संहिता, ठीक है। बृहत संहिता ये एक्चुअली गुप्ता पीरियड में थे, वारामीरा जी थे आपके, ये गुप्ता पीरियड में थे। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी कही थी कि आप जो हैं अंडर वाटर, जो अंडर वाटर, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है या नहीं है, नीचे पानी है नहीं है, वो टर्माइट एंड प्लांट से पता लगा सकते हैं। और ऐसी संदर्भ में उन्होंने एक अर्थक्वेक क्लाउड थ्योरी भी दी। उन्होंने बोला कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो अर्थक्वेक जो है प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, अनयूजुअल क्लाउड फॉर्मेशंस होते हैं, एनिमल्स का बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। तो इन्होंने जो है अर्थक्वेक क्लाउड थ्योरी दी। इनको जो वराहा नाम था ये किंग विक्रमादित्य ने दिया था, ये किंग विक्रमादित्य के ही जो उनके 9 रत्न थे या 9 जेम्स थे उसमें से एक थे। देन द लास्ट वन इज नागार्जुना। नागार्जुना इन्हें एक बुक लिखी रास रत्नकारा, ठीक है। और इनका जो इंटरेस्ट था जो बेस एलिमेंट्स हैं उनको गोल्ड में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने एलिमेंट्स के बारे में, गोल्ड, टिन, कॉपर, सिल्वर, इन सब के बारे में किया। बट देन इनका जो इंटरेस्ट था वो था कि आप बेस एलिमेंट को गोल्ड में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन मेडिकल साइंस की बात करते हैं एंशियंट इंडिया में, तो उसमें भी तीन हमारे पास सबसे बड़े नाम हैं, एक सुश्रुत, एक चरक, एक पतंजलि। देखो आयुर्वेदा जो है हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है, आयुर्वेदा, योगा, ये हमारे इंडिजीनियस सिस्टम है, ये इंडिया में ही उत्पन्न हुए, ठीक है। इनफैक्ट एक बुक है अत्रीय संहिता, देखो अत्रीय संहिता ही ओल्डेस्ट मेडिकल बुक है वर्ल्ड की, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल बुक, ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल बुक। अब चरक की बात करें तो चरक इज रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, इनफैक्ट ही इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड सुश्रुत इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। अब सुश्रुत ने एक बुक लिखी सुश्रुत संहिता, और इनको दो चीज़ों के लिए बहुत जाना जाता है, एक है राइनोप्लास्टिक जो प्लास्टिक सर्जरी के, आज आप जिसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, देन ऑप्थलेमिक सर्जरी, ऑप्थलेमिक मतलब होता है जो आई से रिलेटेड होता है, तो कैटरेक्ट की जो सर्जरी होती है, ठीक है, वो सुश्रुत ने करी। सुश्रुत जो होते थे वो इनफैक्ट सर्जरी में उनका बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने डेड बॉडीज को स्टडी किया, लगभग 1100 डिजीजेस बताए उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने लगभग 26 काइंड्स ऑफ तो फीवर ही बताए थे, ठीक है। देन 8 प्रकार के जॉन्डिस बताए, ठीक है, देन 20 काइंड्स ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस बताए। और उन्होंने यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब प्लांट्स को स्टडी किया कि उसकी रूट्स, उसकी बाक, लीव्स, उसके फ्लावर्स जो है आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई आपको खांसी हो रही है, खराश हो रही है, तो आप जिंजर लेमन टी पी लें, है ना, जिंजर और लेमन, सॉरी जिंजर या हनी टी पी लें, या जिंजर हनी कार्डमम टी पी लें। तो बेसिकली वो सुश्रुत ही थे जिन्होंने सिनेमिन, सिसमे, पेपर्स, कार्डमम, इन सबको स्टडी किया और इन सब की हीलिंग पावर्स बताई, ठीक है। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो है वर्ल्ड में भी जो है हमारे स्पाइसेस को लेके रिसर्च चल रही है कि भारतीय जो स्पाइसेस हैं उनमें क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है। देन बात करते हैं चरक की, तो चरक जो थे बेसिकली आपका आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा से रिलेटेड थे, इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इन्होंने चरक संहिता लिखी, ये कनिष्क के कोर्ट में जो थे वो उनके, ये कनिष्क के राजवैद्य भी थे एक्चुअली, ठीक है। एंड इन्होंने ही पहली बार डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी की बात की, ठीक है। देन पतंजलि की बात करें तो उन्होंने योगा दिया हमें। देखो सुश्रुत चलक में तो क्या है कि आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक में तो क्या है कि आप कुछ मेडिसिन या कुछ खा रहे हैं, बट देन पतंजलि ने क्या बोला कि आप योगा करें। योगा में क्या है, आप अपनी योगा में बहुत कुछ, योगा इज अ वेरी, आप जो करते हैं वो योगा आसनाज हैं, वो योगा एक पार्ट है, बट देन इमोशनल वेलबींग, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहना, अपने आप को डिटैच करना, ठीक है, उस लेवल पे उन्होंने बोला आपको जो है योगा प्रैक्टिस करना है। तो उसके भी उन्होंने दो पार्ट दिए, एक फिजिकल, एक मेंटल, ठीक है। उन्होंने कहा फिजिकल वाले को उन्होंने कह दिया हठ योगा, ठीक है, फिजिकल वाले को कह दिया उन्होंने हठ योगा, एंड मेंटल वाले को बोल दिया उन्होंने राजयोग, ठीक है, दो टाइप के योगा दिए, ठीक है। और पतंजलि ने जो है सिर्फ योगा की फील्ड में नहीं, इन्होंने मेडिसिन पे भी बुक लिखी, जो पणिनि की ग्रामर थी, पणिनि ने बोल की ना ग्रामर पे, जिसको महाभाष्य बोला जाता था, ठीक है, उस पर भी इन्होंने वर्क किया था, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मिडिविल इंडिया में आ गए हम लोग, तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इसमें मिडिविल इंडिया में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मिडिविल इंडिया में भी काफ़ी काम हुआ मैथमेटिक्स में, जैसे नारायण पंडित थे तो उन्होंने गणित
गणिता कौमुदी दी एक बुक लिखी, देन उन्होंने एक बीज गणिता वटम सर लिखी, देन लीलावती एक गंधारा थे उन्होंने। अभी ये बुक्स तो यार जहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, बट देन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक लीलावती कर्म दीपिका लिखी, सुधांत दीपिका लिखी, लीलावती वाख्या लिखी, ठीक है। देन नीलाकांता सोमा सुतवंत थे, उन्होंने तंत्र समग्रा लिखी। एक गणेशा देववाजना थे, उन्होंने बुद्धि विलासिनी लिखी। देखो, और फैजी थे, फैजी बेसिकली अकबर के कोर्ट में थे, और अकबर के जो बीजगणित या हम जो एल्जेब्रा की बात करते हैं ना, वो भास्कर टू ने लिखी थी एक बुक। तो बेसिकली फैजी ने ही अकबर के कहने पे उसको ट्रांसलेट किया था, और अकबर जो थे उन्होंने काफ़ी इम्फेसिस दिया था मैथमेटिक्स पे, कि मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए, ठीक है। देन बायोलॉजी में दो ही नाम है, एक हमसे देव थे, उन्होंने मृग पक्षी शास्त्र लिखी, और जहांगीर ने तुजु के जहांगरी लिखी। तो जहांगीर ने इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्ट था, पढ़े बड़े पढ़े लिखे एम्परर थे जहांगीर, और उन्होंने ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स किस पे, ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया उन्होंने, ब्रीडिंग प्लस हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया उन्होंने, ठीक है। नाउ केमिस्ट्री की बात करें, देखो केमिस्ट्री में क्या है कि कश्मीर, सियालकोट, जाफराबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मैसूर, ये बड़े पेपर प्रोडक्शन बहुत होता था, और पेपर प्रोडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस। इनफैक्ट मुगल्स को जो है आपको पता है गन पाउडर बनाना आता था, और उनको ये भी पता था कि कैसे आप जो है सेल सॉल्पेट्रे सल्फर या चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन पाउडर बनाने के लिए, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास एक महेंद्र सूरी थे, ठीक है। महेंद्र सूरी जो थे एक ये आपके फिरोज शाह जो एम्परर थे उनकी कोर्ट में थे, और इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमी पे एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उसको बोला उन्होंने यंत्र राजा, ठीक है। देन परमेश्वरा एंड महाभास्करिया थे, ये दोनों केरला से, और ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स थे बड़े जाने माने। देन नीलाकांता सोमा सुतवन, ये इन्होंने जो है जो आर्यभट्टिया एक आर्यभट्टिया आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टिया बुक लिखी थी उस पर कॉमेंट्री लिखी थी। देन एक कमलकार थे, कमलकार भी बेसिकली इनको इस्लामिक नॉलेज पे एक अथॉरिटी माना जाता था, ठीक है। देन आपके अपने महाराजा समाई जय सिंह टू तो है ही हैं, जिन्होंने इतनी सारी एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया, लगभग लगभग 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज लगाई, ठीक है। कहाँ कहाँ लगाई, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एंड जयपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिसिन में, तो मेडिसिन में एक सरंगधारा संहिता लिखी गई, सरंगधारा संहिता ही ये किसने लिखी थी, वागसेना ने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वागसेना आप पढ़ लेना। इन्होंने वागसेना ने एक सरंगधारा संहिता लिखी थी, और एक चिकित्सा समाग्र लिखी थी, चिकित्सा बोलते हैं इसको, चिकित्सा समाग्र किसने लिखी थी, वागसेना ने, ठीक है। इनफैक्ट और इसी बुक में जो है आपका सरंगधारा संहिता में यूज ऑफ ओपियम बताया गया था, ओपियम अफीम का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आज जैसे आप बात चलती है ना मैरिजुआना को लीगलाइज करने की, कि वो कैंसर पेशेंट्स के लिए अच्छा है, या कैंसर पेशेंट को वो पेन से रिलीव कर सकता है, तो ठीक है आपस में सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। देन यूनानी सिस्टम जो एक इंडिजीनियस सिस्टम है हमारा, यूनानी टीप सिस्टम, वो आया, एक बंदे थे हमारे अल बिन रब्बान, ठीक है। उन्होंने जो है ये यूनानी सिस्टम जो है बेसिकली ग्रीक मेडिसिन से रिलेटेड है, इसमें ग्रीक मेडिसिन से रिलेटेड है ये, ठीक है। एंड इसमें जो है यूनानी सिस्टम में जो है ग्रीक प्लस इंडियन मेडिसिन को मिक्स किया गया है, ठीक है। बट देन इसको जो ये इसका जो बेसिस है वो ग्रीक मेडिसिन है। देन एक हाकिम दिया मोहम्मद थे, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी मजीनी ए दियाए, ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली अरेबिक प्लस पर्शियन प्लस हमारी आयुर्वेदिक जो नॉलेज थी उसको जोड़ के उन्होंने एक नया दिया। देन फिरोज शाह तुगलक जी तो थे, उनका एक उनकी एक बुक है टिब्बी फिरोज शाही, ठीक है। उन्होंने जो है बेसिकली आयुर्वेदिक सोर्सेज पे कमेंट्री की, आयुर्वेदिक सोर्सेज पे रिसर्च की। देन एक नूरुद्दीन मोहम्मद थे, नूरुद्दीन मोहम्मद जो थे एक्चुअली उन्होंने एक बुक लिखी थी आपका मुसाला जाति दारा शिकोई, शिखो शिखोई सॉरी, ठीक है।
सिकोई, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली ग्रीक मेडिसिन को, ग्रीक मेडिसिन, ग्रीक प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन को स्टडी किया गया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ और बहुत सारे थे। ये थी मिडिवल और एंशियंट की बात। अगले लेक्चर में हम लोग आपको मॉडर्न इंडिया में जो हमारे रामानुजम थे, ठीक है, देन चंद्रशेखर वीरवन, सी वी रमन, जो रमन इफेक्ट जिन्होंने दिया, इन सब के बारे में बताएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड आई शैल सी यू सून, एंड कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, बाय बाय।